टेक्निकल ट्रिक्स एंड टिप्स। तो दोस्तों आज इस वीडियो का टॉपिक कुछ यही है कि भाई आपका जो चैनल है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे ज्यादा सर्च किया जा रहा है। तो दोस्तों उसके लिए आपने सबसे पहले आपने YT स्टूडियो में चले जाना है। तो YT स्टूडियो को जैसे आप ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो उसके बाद यहाँ पे कोने पे तीन डॉट को आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद ये लिखा हुआ है एनालिटिक्स, तो यहाँ पर इसको ओपन कर लेना है। दोस्तों यहाँ पे जैसे आप ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पे आपको नजर आएगा अवर रिव्यू और यहाँ पे लिखा हुआ रीच, तो यहाँ पर आपने रीच पे चले जाना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको नजर आता होगा इंप्रेशन, तो यहाँ पर आपको नजर आता होगा 33,788 जो है ना टोटल इंप्रेशन है मेरे चैनल की तकरीबन लास्ट वाले 28 दिनों में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये लिखा हुआ है इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट, तो दोस्तों आपके चैनल की जो है इंप्रेशन क्लिक के थ्रू रेट है 8.4% पिछले लास्ट 28 डेज की। तो उसके बाद जो है आपके चैनल पर ज़्यादा ट्रैफिक कहाँ से आ रही है, मतलब ट्रैफिक स्क्वायर टाइप, तो यहाँ पे दोस्तों आपको नजर आता होगा ये लिखा हुआ है यूट्यूब सर्च, सबसे ज़्यादा जो है मेरा चैनल यूट्यूब पर सर्च किया जा रहा है 28.5%। तो YouTube सर्च के बाद यहाँ पे दूसरे नंबर पे जो है मेरा चैनल सर्च में आ रहा है ब्रोज फ्यूचर्स 22.7%। उसके बाद ये लिखा हुआ है चैनल्स पेज पे जो है मेरा 10.4%। तो उसके बाद ये लिखा हुआ है नोटिफिकेशंस, तो दोस्तों ये वो हैं दोस्त जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, जैसे नोटिफिकेशन जाती है तो यहाँ पर मेरे चैनल को जो है ना देखा जाता है 9.0%, तकरीबन 9.0 जो है ना नोटिफिकेशन मेरे सब्सक्राइबर मेरी वीडियोस को देखा करते हैं। उसके बाद ये लिखा हुआ है अदरवाइज, इसके अलावा A to Z अदरवाइज जितने भी एप्स हैं जितने भी लिंक्स वगैरह जो भी हैं वहाँ से जो देखा जा रहा है 29.3% यूट्यूब ट्रैफिक स्क्वायर टाइप में जो है मेरा चैनल सर्च में जा रहा है। तो दोस्तों उसके बाद ये लिखा हुआ है टॉप एक्सटर्नल स्क्वायर्स, तो सबसे ज़्यादा जो है ना मेरा स्क्वायर्स जो है ना यहाँ पर व्हाट्सएप पे है, व्हाट्सएप पे जो मेरा चैनल सबसे ज्यादा देखा जा रहा है 63.1%। उसके बाद दूसरे नंबर पे फेसबुक पे 15.0, और उसके बाद ये लिखा हुआ है com.com व्हाट्सएप पे भी जो ना मेरा चैनल 4.7% देखा जा रहा है, और व्हाट्सएप बिजनेस पे भी 4.7% देखा जा रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो ना गूगल सर्च में भी मेरा चैनल जो है 1.8% सर्च में आ रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको नजर आता होगा टॉप यूट्यूब सर्च ट्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको नजर आता होगा सबसे ज़्यादा जो है मेरे चैनल पर कौन सी वीडियो जो है सबसे ज़्यादा देखी जा रही है। तो यहाँ पर ये लिंक है मेरे चैनल की 71.9% जो है मेरी चैनल की सर्च में है। तो यहाँ पे उसके बाद दूसरे नंबर पे है मिसलीडिंग टाइटल मिसलीडिंग मीटा डेटा वाला मेरा वीडियो जो है वो 0.9% पे जो है सर्च में है। उसके बाद टेक्निकल ट्रिक्स एंड टिप्स मेरे चैनल का जो है नाम सर्च में आ रहा है 0.5% पे। उसके बाद टेक्निकल ट्रिक्स ये वर्ड जो है सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है सर्च में मेरे चैनल का, तो यहाँ पर जैसे टेक्निकल ट्रिक्स लिखा जा रहा है तो मेरा चैनल वहाँ पर शो हो रहा है, तो वो है 0.4%। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ये लिंक नज़र आएगी एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम की, ये जो ना हैशटैग दिया गया ये 0.3% पे जो ना मेरी चैनल की है वीडियो ये सर्च में है। तो दोस्तों इसके अलावा जो ना बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं जो यहाँ पर आपको नज़र आती होगी एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम के, जो मैंने टैग दिए हैं जो मैंने कीवर्ड दिए हैं यहाँ पर आपको नज़र आते होंगे 25%, 10%, 6%, 5% या 3% जो है सर्च में। तो उसके बाद ये लिखा हुआ टॉप प्लेलिस्ट प्लेइंग यूअर कंटेंट, तो यहाँ पे आपको नजर आता होगा ये मेरी प्लेलिस्ट कितनी परसेंट देखी जा रही है 68.3%, 4.4%, 1.1%। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। तो इसी तरह जो ना आप भी जो ना चेक कर सकते हैं कि आपके चैनल की जो है ना कौन सी वीडियो सबसे ज़्यादा सर्च में आ रही है और कहाँ पर आ रही है, फेसबुक व्हाट्सअप या इसके अलावा किसी और जो ना सोशल ऐप पर जो ना आपकी वीडियो सबसे ज़्यादा देखी जा रही है, या तो यहाँ पर आप पता लगा सकते हैं आपका चैनल सबसे ज़्यादा कहाँ पर जो ना ज़्यादा रैंकिंग कर रहा है। तो वहाँ पर आपने ज़्यादा तोज्जो देनी है, ध्यान देना है, तो वहाँ पर आपने अच्छे तरीके से करना ताकि आपका चैनल मज़ीद और भी ग्रो करे। तो दोस्तों इसी तरह बहुत सारी ऐसी सेटिंग है, मैं जो है वीडियो बनाता रहता हूँ, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल टेक्निकल ट्रिक्स एंड टिप्स को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि दोस्तों इस तरह की वीडियो मैं बनाता रहता हूँ, इस वीडियो से आपका बहुत सारा फ़ायदा मिले। अगर आप यूट्यूबर हैं तो आपको मेरे चैनल से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को दे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।